ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने कहा, हमारा स्टैंड है कि बंगाल में CAA लागू नहीं होगा, NRC और समान नागरिकता संहिता भी लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त LGP सिलेंडर देने और हर माह 5 किलो राशन मुफ्त देने का वादा किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। उधर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस को 18-19 अप्रैल को राज्य के कूच बिहार जिले का दौरा नहीं करने की सलाह दी है। आयोग ने कहा कि इससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कूच बिहार में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होना है।